बजट को लेकर ऐलान से पहले हमेशा उम्मीदों की बारिश की बूंदें आम आदमी से लेकर कारोबारियों तक के मन के आंगन में बरसने लगती हैं। उम्मीदें इस बार भी हैं, लेकिन ये बजट कुछ खास है। दरअसल इस बार चुनावी साल में लोगों को सरकार से कुछ ज्यादा मिलने की आस है। इस उम्मीद को बढ़ावा इस संभावना से मिला है कि सरकार इस बार वोट ऑन अकाउंट नहीं बल्कि बड़ा बजट लेकर आ सकती है। अभी तक के संकेतों के हिसाब से इस बार के बजट का फोकस कृषि और मध्यम वर्ग पर रहेगा। देखिए, इस बारी का बजट जो है पॉलिटिकल बजट है, इलेक्शन हमारे सर पे है और सरकार को दो तीन कदम उठाने पड़ेंगे। एक है कि वो मध्य तत्व के मिडिल क्लास को वो कैसे अपने साथ रख पाते हैं और उनके लिए क्या राहत और क्या जो सुविधाएं हैं वो बजट में अनाउंस कर पाते हैं। दूसरा, जो फार्मर और रूरल डिस्ट्रेस है वो बहुत बड़ा इशू है, वो शायद बजट तक वेट भी नहीं करेंगे, पर उसके उस मुद्दे पे सरकार को कोई ठोस कदम उठाने पड़ेंगे। तो आई थिंक यू विल सी अ बजट जहां पर रूरल इंडिया और एग्रीकल्चर सेक्टर पे एक फोकस होगा। बात जब मध्यम वर्ग की आती है तो फिर उनकी मुश्किलें महंगाई से शुरू होती है। महंगाई तो है नो डाउट, बट सरकार को और भी कंट्रोल करने की ज़रूरत है। सबसे बड़ा एग्जांपल है उसका हमारा पेट्रोल एंड डीजल की प्राइसेस, वो फ्लक्चुएट करता रहता है, बट उस पर और ध्यान देने की ज़रूरत है क्योंकि हर आदमी ऑलमोस्ट मतलब ड्राइव करता ही करता है और पेट्रोल का डीजल का कंजम्पशन है ही है। अगर हम उसको कंट्रोल कर सकें तो बहुत आम आदमी के लिए राहत की बात होगी। देखिए, सरकार से आम आदमी तो यही उम्मीद करता है कि भाई उसको कुछ फ़ायदा हो, कुछ बेनिफिट हो, उसकी सैलरी कुछ इंक्रीज हो, क्योंकि महंगाई आप देख ही रहे हैं आजकल कितना ज़्यादा क्या हाल है। अब इस महंगाई का सीधा रिश्ता जुड़ता है सैलरी से, जिसमें लोग इजाफे की उम्मीद लगाए बैठे हैं। उससे उम्मीद ये है कि आम आदमी की सैलरी बहुत कम है, 10,000 है, 8,000 है, उससे भरण पोषण नहीं कर पा रहा है। सैलरी तो बढ़नी चाहिए, कम से कम 15,000 तो होनी ही चाहिए। अनस्किल्ड लेबर की बात कर रहा हूँ मैं। सर, महंगाई तो बहुत ज़्यादा है अभी इस टाइम, ठीक है, आप लोगों की सैलरी में भी बढ़नी चाहिए, ठीक है। सैलरी तो बढ़ नहीं रही है, कुछ भी नहीं बढ़ी है इसमें। या तो सैलरी बढ़ाएं इतनी कि हम आसपास में जाते हैं, जॉब करते हैं, अच्छे से आ सके जा सके, कुछ सेविंग्स भी हो सके हमारी, क्योंकि हम मिडिल क्लास से हम लोग, तो अगर थोड़ा सेविंग्स भी हो जाएंगे तो हमारे लिए बेटर रहेगा। महंगाई को नियंत्रण करने का मंत्र तो RBI और सरकार के हाथ में है, लेकिन सैलरी बढ़ाने का फॉर्मूला बजट से निकल सकता है। इसके लिए जरूरी है कि सरकार उद्योग जगत की मुश्किलों की तरफ ध्यान दे। सोशल स्कीम्स पर डेफिनेटली ज्यादा ध्यान रहेगा, मैं समझता हूँ। साथ साथ में कुछ एरियाज इंफ्रास्ट्रक्चर में भी वो फोकस करेंगे, बिकॉज उनके मालूम है उसका एक जो मल्टीप्लाई इफेक्ट आता है, उससे जो वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन होती है उसका एक काफ़ी बड़ा बेनिफिट मिलता है इकॉनमी में और सिस्टम में, एंड उसमें शॉर्ट टर्म बेनिफिट भी आ जाती है। तो मैं समझता हूँ कि एक बैलेंस रहेगी जहाँ पे सोशल स्कीम पर ज्यादा ध्यान रहेगा बिकॉज इलेक्शन है, और साथ साथ में कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में भी एक्सपेक्टेशन है। इसके साथ ही उद्योग जगत की मांग है कि विनिवेश पर भी ध्यान दिया जाए। डिसइन्वेस्टमेंट का एक बहुत बड़ा चांस अभी है, इसको फुल्ली एक्सप्लॉइट किया जाए, तो हम देखना चाहेंगे कि ये इसका भी ऊपर कुछ हम देखे। यानी आम आदमी को इस बार के बजट में सैलरी में बढ़ोतरी और महंगाई में कमी की आस है। अब इसका तरीका उद्योग जगत को राहत पहुँचा कर निकाला जा सकता है, इसलिए जरूरी है कि सरकार इंडस्ट्री की डिमांड को ध्यान में रखकर बजट बनाए और मध्यम वर्ग को फायदा पहुंचाने का इंतजाम करे। ब्यूरो रिपोर्ट आज तक।